Hello. Good morning. Now your fifth session in geography, chapter first is going to be started. Means your soil, your topic, soil is going on. One type of soil each done in your previous class. Now the second type is black or rebar or copper soil. This soil is second most widespread soil. India के दूसरे सबसे ज्यादा जगहों पर पाए जाने वाले सोयल है ब्लैक सोयल. लोकल भाषा में रेगु सोयल कहा जाता है क्योंकि ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए आइडियल सॉइल है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. ब्लैक सॉइल और रेगू सॉइल और कॉटन सॉइल. नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल व्हिच फैक्टर्स आर मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, दोज फैक्टर्स आर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया एंड बेड रॉक और पैरेंट रॉक. वहां का जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन पर ज्यादा डिपेंड करता है और वहां का नीचे का रॉक जिसको बेड रॉक कहते हैं, या पैरेंट रॉक कहते हैं जिससे यह सॉइल टूट कर बनता है, वो बेड रॉक या पैरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है. आइए आगे समझिए किस तरह का बेड रॉक और पैरेंट रॉक से बनता है. नाउ ब्लैक सॉइल और रेगु सॉइल, दिस वन इज मेड अप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वोल्केनिक लावा, वोल्केनिक रॉक दैट इज कॉल्ड बैसाल्ट. यह स्वाद वोल्केनिक इरप्शन से निकले हुए लावा जो सॉलिड होता है उसको बैसाल्ट कहते हैं. ये बैसाल्ट के इरोजन वेदिंग यानी डेगुडेशन के कारण बनता है, उसके ब्रेक होने से बनता है. दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक बैसाल्ट. नाउ व्हेन इज दिस वॉल फाउंड, अब सवाल है इस वॉल कहां मिलता है. यह सवाल मेनली महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ऑफ गुजरात, मालवा प्लेटो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेटो मींस गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली. ब्लैक सॉइल या रेगु सॉइल कहां मिलता है, इंडिया के किस हिस्से में मिलता है. यह सॉइल सबसे ज्यादा मिलता है महाराष्ट्र, सेकेंड में है सौराष्ट्र और गुजरात, उसके बाद है मालवा प्लेटो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डक्कन प्लेटो गोदावरी की श्रेणी में. आगे जाने हम ब्लैक सॉइल के कुछ फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है. क्या क्या फीचर ब्लैक सॉइल का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, क्लियर पार्टिकल, सो वेरी वेरी फर्टाइल. दिस सॉइल हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें इरिगेशन की जरूरत बहुत कम होती है और सॉइल की अपेक्षा एक पानी कम पटाना पड़ता है, इरिगेशन कम लगता है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है. यह सॉइल भीगने के बाद स्टिकी हो जाता है, गूंद जैसा चिपचिपा हो जाता है, लस लसा हो जाता है. आफ्टर गेटिंग वाटर दिस सॉइल बिकम्स स्टिकी क्योंकि क्ले मटेरियल का बना है. लेकिन जैसे ही ड्राई होता है, बड़ा हार्ड
सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने से बीच बीच में दरारें आ जाती है, क्रैक आता है, वो क्रैक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, एरेशन में मदद करता है। सो आफ्टर गेटिंग वाटर दिस सॉइल बिकम्स स्टिकी, दैट इज अ फीचर, बट आफ्टर बिकमिंग ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड, इट स्टार्ट्स सिंकिंग, एंड देयर आर सो मेनी क्रैक्स इन द सॉइल, एंड दोज क्रैक्स हेल्प इन एरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। Now this soil is very rich in calcium carbonate, magnesium carbonate, potassium and lime. Now you should know that this soil is very very rich in some nutrients like calcium, magnesium, potassium and lime. But poor in phosphate, poor in only phosphate. In a soil फॉस्फोरिक एसिड में कमजोर है, वीक है, फॉस्फेट कम है। सो ब्लैक सॉइल इज वेरी रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, एंड पुअर इन ओनली फॉस्फेट। ओके, नाउ योर सेकेंड, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल also covers it, is its area is also equal to the area of black soil. Red and yellow soil is made up of breaking of crystalline igneous rock. यह जो है रवेदार आग्नेय चट्टान से बना होता है। इन लो रेन फॉरेस्ट में जहां बारिश कम होती है, कहां साउथ ईस्टर्न डकन प्लेटो, ये साउथ ईस्टर्न डकन प्लेटो में मिलता है, कम बारिश वाला इलाका है। रेड एंड येलो सॉइल्स आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न डकन प्लेटो। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। नाउ रेड एंड येलो सॉइल इट इज लुकिंग रेड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन टू क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस सॉइल में हमेशा एक्शन और रिएक्शन होता रहता है, जिससे और आयरन ऑक्साइड, इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड बहुत होता है, आयरन ऑक्साइड हमेशा बदलता रहता है, रिएक्ट करके बदलता है और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलता रहता है। इसीलिए इस डिफ्यूजन के कारण, आयरन ऑक्साइड के डिफ्यूजन के कारण और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक में बदलने के कारण यह रेड दिखाई देता है। सो दिस वाइल इज लुकिंग रेड बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन टू क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगेन दिस वाइल इज लुकिंग येलो ऑल्सो after getting water, after receiving water, means after getting hydrated. When it gets hydrated, when it gets water, it is looking yellow. पीला दिखाई देता है पानी मॉइस्चर लेने के बाद, गीला होने के बाद। आगे this one, red and yellow soil. This one is found in Odisha, Chhattisgarh, South Midin Ganga Plain, yani Sonobra Nadi ke Punpurobra Nadi ke kinare, South Central Ganga Plain, and Piedmont area of Western Ghats. Piedmont area samajhte hain mountain ke dono side, dono foot, dono route, jaise Western Ghat mountain hai अरेबियन सी के किनारे, माउंटेन के इस साइड रूट पर, माउंटेन के इस साइड रूट पर, उसके फुट पर यह मिलता। रेड एंड येलो सॉइल्स आर फाउंड जनरली इन सम पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथ मिडिल गंगा प्लेन एंड
की माउंटेन माने बोथ साइड ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में नाइन में पड़े हैं। कि अरेबियन सी के किनारे वेस्टर्न घाट हिल्स है, तो वेस्टर्न घाट हिल्स का ईस्टर्न पार्ट भी, वेस्टर्न पार्ट भी जो फूट हो गया, रूट हो गया, उसी पर रेड एलिनोसॉरस मिलते हैं। रेड एलिनोसॉरस था ये सब पार्ट ऑफ ओडिशा छत्तीसगढ़। And both sides of, both roots of western Ghat hills in Deccan Plateau, Peninsular India, and South Vidhi Ganga Plain. Okay, Red Hill Soil. Now lateral soil. Lateral soil. This word lateral has been taken from Latin language. Later, later means Greeks. Now, lateral soil. This word has been taken from Latin language later. Later means Greeks. Because it is also looking red and full of iron oxide. Lateral soil is found in heavy rainfall and high temperature area due to leaching process. Now leaching process, this belongs to chemistry. For getting surface knowledge, I would like to say something. You already know that even a harder rocks can also break. Why? Due to temperature. Because during daytime temperature becomes high everywhere. Daytime temperature high. So molecules of even harder rocks also start expanding. And during night, when temperature decreases, molecules start shrinking. Due to this repetition, due to this routinely expansion during daytime, shrinking during night time, even harder rocks become very weak and they start breaking from joints, from cracks. Cracks are formed, start breaking. After breaking, when heavy rain falls on that rock area, fine particles are dismissed. Our larger particles are left on as usual on the ground. These now area of larger particle of soils called lateral soil. A high temperature, high rainfall के कारण बनता है. High temperature के कारण daytime में temperature high हुआ, rock का molecule expand किया. Night में टेम्परेचर लो हुआ, फिर से सेलिंग किया. डे में एक्सपेंड किया, नाइट में सेलिंग किया. हार्डर रॉक भी कमजोर हो जाता है, क्रैक आ जाता है. क्रैक आने के बाद वो टूटने लगता है, ब्रेक करता है, वेदरिंग प्रोसेस हो गया, टूट जाता है. उसके बाद जब हेवी रेन होता है तो फाइन पार्टिकल जो होता है, स्मॉल पार्टिकल सॉइल का, वो बह जाता है, ट्रांसपोर्टेड होकर बाहर चला जाता है लोलैंड में. और वहां लार्जर पार्टिकल उस प्लेस पर लेफ्ट रह जाता है. उसी लार्जर पार्टिकल वाला सवाल को हम लेटेराल सवाल करते हैं. इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस करते हैं. सो दिस वाली फॉर्म इन हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल एरिया ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस. दिस वाली वेरी वीक, वेरी पुअर इन ह्यूमस कंटेंट. ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मटेरियल वेरी लेस. व्हाई? ड्यू टू हाई टेम्परेचर bacteria means decomposers are destroyed. They are damaged. Then how can you find decomposition? So this lateral soil is poor in humus, this organic material, because here bacteria are destroyed. Organic microscopic organism means bacteria are damaged due to high temperature.
So decomposition, radiant elements. So humus is elements, organic material elements. Now this one is less fertile, but with the help of high dosage of manures, high dosage of chemical fertilizer, production can be done. That right soil is not very rich, not very fertile, but with the high dosage of manures and high dosage of fertilizers, you can produce. You can develop agriculture. Now, in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, with proper conservation, tea and coffee are produced. In this laterite soil, tea and coffee are produced in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu with proper conservation. With proper conservation technique, tea and coffee are produced in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. Again, in red laterite soil, cashew nut, kaju. Kaju ka production hota hai. Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, bahut hi famous kaju production kar rahe hain, jahan red laterite soil hai. In red laterite soil area, cashew nut, yani kaju ka production hota hai. Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. अब आइए ये मिलता कहाँ? This one is found in patches. Regular बहुत बड़ा एरिया में मिलता है, थोड़ा थोड़ा धब्बा के रूप में मिलता है. This one is found in high temperature, heavy rainfall area, means केरल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरिया, उड़ीसा एंड आसाम. तुम सोचोगे कि ये कहाँ मिला? मेघालय में, क्योंकि मेघालय जानते हो सबसे ज्यादा बारिश होती है, इंडिया का है नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वहां भी है. वो आसाम के ही एरिया में आता है, पुराना स्टेट का नाम आसाम था. तो दिस वन लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिल एरिया, ओडिशा, आसाम. लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु. साउथ इंडिया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया असम एंड ओडिशा. नाउ एरिड और डेजर्ट सॉइल. एरिड और डेजर्ट सॉइल, दिस इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर रेनफॉल इज वेरी लेस एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन डेली and annual seasonal variation. Now arid or desert soils are found in different color, red, brown, yellow, different color depending on current rock, bedrock. So arid or desert soils are found in different color. This one is sandy soil, a larger particle of सॉइल का पार्टिकल साइज बड़ा होता है सैंडी सॉइल से. एंड सैलाइन सॉइल, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है. कहीं कहीं तो नमक का भी प्रदर्शन होता है, इतना ज्यादा नमक की मात्रा. सो एरिड और डेजर्ट सॉइल साथ सैंडी सॉइल एंड सैलाइन सॉइल, दिस वन इज पुअर इन ह्यूमस, पुअर इन वाटर, दिस मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी. Now, arid or desert soils are poor in humus and poor in moisture, water, poor in water or moisture, poor in humus because of high temperature, mainly in summer season. Again, bacteria are disturbed, so very poor in humus. Now, due to dry climate here, or due to high temperature, evaporation of water is very high. यहाँ पानी तो कम होता, बारिश कम होती, लेकिन जो भी पानी पड़ता है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर के कारण, ड्राई क्लाइमेट के कारण. इस सवाल की और विशेषता और फीचर है, इस सवाल के नीचे सब सवाल में
कम कर देता है जो फर्टिलिटी को घटाता है और पानी को अंदर नहीं जाने देता, इनफिल्ट्रेशन को रोकता है। दिस रिजॉर्ट ऑफ इन सॉइल हैज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज हैविंग कंकर नोड्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स इन सब सॉइल, इन लोअर पार्ट ऑफ एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल कम कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स आर फाउंड दैट डिक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड दैट हैम्पर्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को अंदर नहीं जाने देता। लेकिन विथ प्रॉपर इरिगेशन एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, एग्रीकल्चर इज डन इन दिस वे मेनी इन वेस्टर्न राजस्थान एग्रीकल्चर इज डन विथ प्रॉपर इरिगेशन। नाउ लास्ट इन फॉरेस्ट और मध्यम सॉइल हिली सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन हिली एरिया माउंटेनियस एरिया इन दैट एरिया वेयर रेन फॉरेस्ट इज अवेलेबल। नाउ फॉरेस्ट और हिली सॉइल्स, फॉरेस्ट और हिली सॉइल्स आर फाउंड इन माउंटेनियस एरिया हिली एरिया इन दैट एरिया वेयर नाउ रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। साइज ऑफ दिस सॉइल इज डिफरिंग चेंजेबल, इस सॉइल का साइज अलग अलग है, कहीं फाइन पार्टिकल है कहीं लार्ज पार्टिकल है। नाउ फॉरेस्ट सॉइल इज डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, साइज ऑफ दिस सॉइल इज चेंजेबल डिफरिंग अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट। साइज ऑफ सॉइल, टेक्सचर ऑफ सॉइल, टेक्सचर मींस साइज ऑफ सॉइल इज डिफरेंट चेंजेबल। नाउ ऑन द वैली साइड्स सॉइल इज लोमी सॉइल, क्लेयर सॉइल, सिल्टी सॉइल, फर्टाइल डीप सॉइल। ऑन द साइड ऑफ माउंटेन वैलीज, ऑन द साइड ऑफ माउंटेन वैलीज नाउ दिस सॉइल इज लोमी, दिस सॉइल इज सिल्टी मींस क्लेयर सॉइल, डीप सॉइल। बट ऑन द टॉप ऑफ हिल्स दिस सॉइल है लार्जर, ऑन द टॉप ऑफ हिल्स, ऑन द टॉप पोजिशन ऑफ हिल्स ऑन माउंटेन दिस सॉइल है लार्जर पार्ट एंड शैलो सॉइल, शैलो एंड है लार्ज पार्ट का लार्ज टेक्सचर। ऑन द टॉप ऑफ हिल्स साइज ऑफ सॉइल इज लार्जर। नाउ यू perhaps you want to know about the soils found in Himalayan area, now come to Himalayan area. Now in permanently snow covered area, top of Himalaya, this soil has become acidic, a lack of humus because suffering from denudation means breaking of rocks, erosion of rocks, denudation. So, in snow covered area of Himalaya, top of Himalaya, this soil is not fertile because acidic soil, lack of humus. Again, bacteria not found due to very cold climatic conditions. Bacteria do not develop. Soil is not fertile. Acidic soil, top of mountain, snow covered area, acidic soil, lack of humus. Because of denudation means breaking of soil after that erosion, soil has become unfit with larger particles and not very fertile, acidic, a lack of humus. But if you come to root of Himalaya, that is called river terrace area, alluvial fed area, this one is fertile. If you come to lower part of Himalaya, foot of Himalaya, that area is called river terrace area, that area is called alluvial plain area, here this one is fertile in lower part of Himalaya.